आपका गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपको बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जानकारी दूंगी। फीमेल एसटी कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करेंगे, क्या लास्ट डेट्स होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होंगी अप्लाई करने के लिए, डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा, टोटल कितनी वैकेंस पोस्ट होगी, एक्सेट्रा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। स्टूडेंट्स, जानकारी के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलती हूँ, gayatrijobs.com पे। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल जो रिक्रूटमेंट है वो बिहार पुलिस के द्वारा कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट 01/2020 अनाउंस कर दी गई हैं। तो सभी कैंडिडेट्स 24 जून से ये वैकेंसीज की जारी की गई हैं। 454 इसमें वैकेंस पोस्ट हैं। फीमेल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स आप अपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अनुसार जो भी इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को आगे ब्राइट करने के लिए, तो वो आप इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले। आपको बता दूं, बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स, डिपार्टमेंट का नाम तो बिहार पुलिस है, इंपॉर्टेंस डेट चेक कीजिए। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एप्लीकेशन स्टार्टेड 24 जून से हो चुके हैं और अप्लाई ऑनलाइन बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल लास्ट डेट 24 जुलाई है। पे एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट 24 जुलाई है। बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट अभी अवेलेबल सुन है और एडमिट कार्ड भी अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगी। एंड एप्लीकेशन फ़ीस थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और SBE चलान फीस आप सबमिट कर सकते हैं, ₹112। टोटल पोस्ट इसमें 454 है। पोस्ट का नाम कांस्टेबल लेडी इन बिहार पुलिस स्वाभिमान, बट जो इसमें जो पोस्ट का नाम है वो कांस्टेबल लेडी इन बिहार पुलिस स्वाभिमान बैटेलियन है। रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, द फीमेल ST एप्लीकेंट हु हैव पास 10+2 इंटरमीडिएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड मे अप्लाई ऑनलाइन फॉर द अबाउ मेंशन वैकेंस पोस्ट। एज लिमिटेशन एज ऑन 1 January 2020, तो मिनिमम तो 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। इसी तरीके से रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी फॉर फिजिकल टेस्ट के लिए, हाइट, चेस्ट, रनिंग, देयर विल बी ऑर्गेनाइज 1 किलोमीटर रेस इन 5 मिनट मैक्सिमम टाइम होगा। हाई जंप 3 फीट की होगी, जो आपका गोल ऑफ एंक होगा। दो द एप्लीकेंट्स विल हैव टू थ्रो 12 पाउंड वेट अप टू 12 फीट मिनिमम होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी ऑफिशियल लिंक जो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी हुए हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया है, आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन स्टेप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म को, सेकंड स्टेप होगा फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिर व्यू आप थर्ड अपने एप्लीकेशन फॉर्म को व्यूज चेक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, फिर आपको सेकेंड आता है वैकेंसी की नोटिफिकेशन। यहाँ पे हिंदी में केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती से जुड़ी सरदार पटेल भवन छठताल ब्लॉक ज्वाला नेहरू मार्ग पटना के द्वारा वेबसाइट प्रोवाइड कराई हैं। विज्ञापन पूरा दिया है, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या नोटिफिकेशंस, क्या क्या इसके गवर्नमेंट रूल्स जारी हुए हैं। फिर आप इसके पाठ्यक्रम को खोलेंगे लिंक को, यहाँ से सिलेबस से जुड़ी सारी जानकारी लेंगे कि आपका पेपर किस तरीके का आएगा, इसमें कौन कौन से कोर्सेज होंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड कराई है। फिर आप लास्ट ऑफिशियल लिंक ओपन करके आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको इसके साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी आपको इसी चैनल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊँ।